हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अलका हॉबी जंक्शन। दोस्तों, आज मैं आपके साथ साउथ इंडियन स्पेशल टमाटो राइस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही अच्छी बनती है, आप देख सकते हैं। तो चलिए, अब देर ना करते वीडियो शुरू करते हैं और बनाते हैं टमाटो राइस। इस राइस को आप बिना किसी ग्रेवी, बिना किसी दाल के एज इट इज़ खा सकते हो। तो चलिए, अब रेसिपी शुरू करते हैं। तो टमाटो राइस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कटोरी चावल लिया है, ये मैं दो लोगों के लिए बना रही हूँ। सबसे पहले हम चावल को आधा से एक घंटा भिगो देंगे। क्या होता है ना, जब हम चावल को अच्छे से भिगोते हैं तो वो बहुत खिला खिला बनता है। तो यहाँ मैं चावल को एक घंटे भिगो दूंगी और तब तक मैं आपको इंग्रेडिएंट बता देती हूँ कि हमें क्या क्या यूज़ करना है। तो दोस्तों, चावल को भिगोने के बाद हम जैसे नॉर्मली चावल कुक करते हैं ना, बस आपको वैसे ही कुक करना है। लेकिन आप इसको पतीले में नहीं, आप इसको कुकर में ही कुक करें। ऐसे तो चाहे तो आप इसे राइस को बचे हुए राइस से भी बना सकते हैं, टमाटो राइस को। अब मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। ये मैंने एक बड़ा प्याज लिया है जिसको मैंने बारीक कट कर लिया। थोड़ा सा मैंने गाजर डाला, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब मैंने टू मीडियम साइज़ के टमाटर लिए जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। टमाटर तो सबसे ज़रूरी है इस राइस में, तो आप दो से तीन टमाटर ऐड कर सकते हैं। और लगभग 1 टीस्पून चने की दाल और उड़द की दाल ली है। ये करी पत्ता लिया है मैंने, और 10 से 15 काजू लिए हैं। तो यहाँ पे काजू को मैं इस तरह से बीच से कट कर लूँगी। दोस्तों, सूखे मसाले में आपको जब टमाटो राइस बताऊँगी तो साथ साथ बताती जाऊँगी कि सूखे मसाले में मैंने क्या ऐड किया है। तो इस तरह से हम काजू को इस तरह से बीच से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने काजू को कट कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। इधर चावल मैंने एक घंटे भिगो कर ऑलरेडी कुक करने को रख दिया था। अब हम एक कढ़ाई में लगभग 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। जब हमारा तेल गर्म हो जाए तो पहले हम उसमें काजू रोस्ट कर लेंगे। तो काजू हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने काजू को रोस्ट कर लिया है। आप इसकी जगह बादाम भी यूज़ कर सकते हो, मूंगफली जो आती है आप उसको भी ऐड कर सकते हो, अगर आप काजू नहीं ऐड करना चाहते तो। अब हम इसी तेल में 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड और 1 टीस्पून जीरा डालेंगे, साबुत जीरा, और 1 साबुत लाल मिर्च ऐड करेंगे। तो दोस्तों, जब हमारा जीरा चटकने लगेगा तो हम इसमें प्याज और गाजर ऐड कर देंगे जो हमने बारीक कट करके रखा था। और इसको हम मीडियम फ्लेम पे सौते करेंगे। दोस्तों, अब हम इसमें लगभग 15 से 20 करी पत्ते डालेंगे। करी पत्ते से ये टमाटो राइस का फ्लेवर अच्छा आता है, क्योंकि एक साउथ इंडियन फ्लेवर है ये। तो करी पत्ता आप इसमें जरूर ऐड करें। और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें चने की दाल और उड़द की दाल जो मैंने रखी थी वो भी ऐड कर देंगे। दोस्तों, आप चने की दाल और उड़द की दाल पहले ऐड कर दें, एक्चुअली ये साइड में रखी थी तो मैं डालना भूल गई थी। तो इसको भी आप जब राई और जीरा डालते हो तो ही आप ऐड कर लें। तब इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये देख सकते हैं, हमारा प्याज भी अब फ्राई हो चुका है। इसको बहुत ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर जो हमने बारीक कट करके रखा था। यहाँ पे मैंने आंच मीडियम से हाई फ्लेम पे रखी है। अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, जितना आप नमक खाते हो। और लगभग 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। तो भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैंने अब आंच स्लो कर दिया और इसे ढककर थोड़ी देर पकाएंगे। तो लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे हमारा टमाटर देख सकते हैं अच्छे से गल गया है। अब हम इसमें लगभग 2 टीस्पून सांभर मसाला ऐड करेंगे। ये मैं लगभग दो लोगों के लिए बना रही हूँ तो मैंने 2 टीस्पून ऐड किया है। अगर आप थोड़ा तीखा खाते हो तो इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने घिसा हुआ अदरक ऐड किया है, इससे इसका फ्लेवर टमाटो राइस का बहुत ही अच्छा आता है। दोस्तों, ये राइस आप एज इट इज़ भी खा सकते हो, इसके साथ किसी सब्जी या किसी ग्रेवी की ज़रूरत नहीं होती आपको।
एक बार आप इसे जरूर ट्राई करें। तो सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इधर आप देख सकते हो हमारा चावल भी कुक हो गया है। ये देखिए ये कितना खिला खिला बना है। ऐसे तो आप बचे हुए चावल का भी बना सकते हो, लेकिन आप देख सकते हैं चावल हमारा कितना खिला बना है। तो अब हम इसको अपने मसाले में ऐड कर देंगे। तो अब मैं राइस को मसालों में ऐड कर देती हूँ और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है। अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी टमाटो राइस बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें ये भुने हुए काजू ऐड कर देंगे। गैस को कर दी है हमने बंद। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए एक एक दाना बिल्कुल खिला हुआ बना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा टमाटो राइस बनकर तैयार हो गया। आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।